केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने आज केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर अपने विभाग की ओर से की गई उपलब्धियों की संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस अवधि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 साल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जिनकी दुनिया भर में चर्चा है। प्रधान सेवक के रूप में अपने को प्रस्तुत करते हुए देश के संचालन में जो बदलाव लाने का प्रयास किया, 2000 ऐसे कानून थे जो समसामयिक नहीं रहे थे, उसको निरस्त करने का बड़ा साहसी काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोदी सरकार में हो गया है। सारे देश को इसी 9 साल में जिस बदलाव पे नाज है, उसमें सबसे पहले आता है हमारा लोकतंत्र का पहला पत्थर जो है वो ग्राम पंचायत है, और ग्राम पंचायत को मजबूती देने का, अगर मेरे शब्दों में मैं कहूं तो पहली बार प्रयास करने का यश मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहूंगा। ग्राम पंचायत को भारत सरकार के साथ सीधा जोड़ने का, उसको आर्थिक मदद करने का, और वो भी ट्रांसपेरेंट तरीके से करने का। आज हर ग्राम पंचायत को नियमित रूप से भारत सरकार से निश्चित की हुई राशि बिना किसी झंझट से मिल रही है। कोरोना वैक्सीन देश के नागरिकों के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय प्रधानमंत्री जी ने किया, उससे 1 साल पहले देश के सारे पशुओं को वैक्सीनेट कराने का निर्णय प्रधानमंत्री जी ने ले लिया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये दोनों ऐसे बिंदु हैं, मोबाइल वेटरनरी यूनिट सारे देश के लिए और वैक्सीनेशन सारे देश के पशुओं के लिए भारत सरकार के खर्चे से 13,000 करोड़ रुपए का प्रबंधन करके राज्य सरकारों के साथ मिलकर हमारे पशुधन में जो प्रमुख डिजीज है, मुंहपका, खुरपका, पीपीआर, इन सबको मिटाने के लिए और देश के सारे पशुधनों के स्वास्थ्य को देखने का और उसी पर अमल करने का ये भी दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय मोदी जी के द्वारा लिया गया था।